हेलो दोस्तों, आइए सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। और इसमें दोस्तों राष्ट्रपति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए होंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? श्री रामनाथ कोविंद जी भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? दोस्तों भारत की कार्यपालिका का प्रधान होता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन लेता है? दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदन भाग लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, यानी कि इसका आंसर जो है वो सभी विकल्प सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र व राज्यों के लिए एक अंतरराज्यीय परिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो केंद्र और राज्यों के लिए एक अंतरराज्यीय परिषद की नियुक्ति करता है दोस्तों राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद में आते हैं? दोस्तों भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद है अनुच्छेद 52। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होती है? दोस्तों राष्ट्रपति की पदावधि होती है 5 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक किसकी अनुमति से संसद में प्रस्तुत किया जाता है? तो दोस्तों धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बगैर प्रस्तुत नहीं किया जाता। ठीक है, राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? तो दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी राष्ट्रपति करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को भी राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अगला प्रश्न, लगातार 2 बार राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए? तो दोस्तों लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? दोस्तों तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात करी जाए तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है दोस्तों राष्ट्रपति, इंपोर्टेंट है। क्या राष्ट्रपति को दोबारा चुना जा सकता है? हाँ बिल्कुल, राष्ट्रपति को दोबारा चुना जा सकता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? दोस्तों राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो दोस्तों सही आंसर है एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति की मृत्यु या पद त्याग की दशा में उसका कार्यभार कौन देखता है? तो दोस्तों उसका कार्यभार देखते हैं उपराष्ट्रपति। ठीक है, अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, अगला प्रश्न, राष्ट्रपति निर्वाचन संबंधी विवादों का निर्णय कौन करता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति निर्वाचन संबंधी विवादों का निर्णय दोस्तों करता है उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? दोस्तों संघ की कार्यपालिका की शक्ति दोस्तों निहित होती है राष्ट्रपति में, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति किसकी सलाह पर की जाती है? तो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किसकी सलाह पर करता है? दोस्तों ये कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह को राष्ट्रपति के बाध्यकारी बनाया गया, राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बनाया गया? तो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें यह बताया गया कि मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा है अनुच्छेद 352। ठीक है, भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लागू हो चुका है? तो दोस्तों भारत में अब तक 3 बार आपातकाल लागू हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने को कह सकता है? तो ये संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? दोस्तों वित्त आयोग का गठन करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का सत्र कौन बुलाता है? दोस्तों संसद का सत्र बुलाते हैं राष्ट्रपति साहब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम सत्र को कौन संबोधित करता है? तो दोस्तों लोकसभा के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं राष्ट्रपति। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? दोस्तों लोकसभा को भंग कर सकते हैं राष्ट्रपति। इस वीडियो में सभी राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? दोस्तों संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाते हैं राष्ट्रपति। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। संसद के वार्षिक वित्तीय विवरण को कौन रखवाता है? दोस्तों संसद के वार्षिक वित्तीय विवरण को राष्ट्रपति जी रखवाते हैं। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मृत्युदंड क्षमादान की शक्ति किसके पास होती है? दोस्तों मृत्युदंड या क्षमादान की शक्ति दोस्तों पास होती है राष्ट्रपति जी के। इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति का प्रयोग किसकी सलाह पर करता है? दोस्तों तो राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। संघ शासित क्षेत्रों के विषयों में कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है? दोस्तों ये भी राष्ट्रपति जी के पास होती है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? दोस्तों भारत का प्रथम नागरिक भारत के राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति संघ के कार्यों की जानकारी प्रधानमंत्री से ले सकता है? तो दोस्तों आर्टिकल 78 के अनुसार राष्ट्रपति संघ के कार्यों की जानकारी प्रधानमंत्री से ले सकता है। क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को निर्वाचन हेतु कितने प्रस्तावक और अनुमोदक की आवश्यकता पड़ती है? तो दोस्तों 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता पड़ती है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के कर्तव्यों को निर्वहन किया? तो दोस्तों एम हिदायतुल्ला भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, लेकिन इन्होंने भारत के राष्ट्रपति के पद में भी काम किया है। ठीक है, क्या राष्ट्रपति को उसके पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया जा सकता है? नहीं, नहीं किया जा सकता दोस्तों। ठीक है, किस राष्ट्रपति को निर्विरोध चुना गया था? दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी को निर्विरोध चुना गया था। भारत के राष्ट्रपति का वर्तमान वेतन कितना है? दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का वर्तमान वेतन है 5 लाख रुपए प्रति महीना। राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका किस अनुच्छेद में आता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका अनुच्छेद 55 के अंदर आता है। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद भाग नहीं लेती है, ध्यान रखना दोस्तों। राष्ट्रपति व महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? दोस्तों राष्ट्रपति व महाभियोग, महाभियोग को इंग्लिश में कहते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस, ये आर्टिकल 61 में है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना। भारत में अभी तक कितने राष्ट्रपतियों पर महाभियोग लगा है? तो दोस्तों भारत में अभी तक एक भी बार महाभियोग नहीं लगा है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप किस सदन में लगता है? तो दोस्तों दोनों में से कोई भी सदन हो, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, किसी में भी लगाया जा सकता है इम्पीचमेंट प्रोसेस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पूछेगा आपसे। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए कितने दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है राष्ट्रपति को? तो दोस्तों 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है लोकसभा और संसद को और राष्ट्रपति को। ठीक है, 50 क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन शामिल नहीं होता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति के महाभियोग में शामिल नहीं होता है राज्यसभा, महाभियोग में, तो महाभियोग में दोस्तों राज्यसभा नहीं, इसका सही आंसर है विधानसभा। ठीक है, विधानसभा शामिल नहीं होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना।
51 क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए खाली रह सकता है? दोस्तों राष्ट्रपति का पद 6 माह से ज़्यादा खाली नहीं रह सकता, ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। 52 क्वेश्चन, किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा जाता था? तो दोस्तों राधा कृष्ण सर्वपल्ली जी को दार्शनिक राजा कहा जाता था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की उपाधि दी गई है? तो दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन की उपाधि से नवाजा गया है, ठीक है। राष्ट्रपति भवन का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? दोस्तों राष्ट्रपति भवन का डिज़ाइन तैयार किया था एडविंस लुटियंस, ठीक है। और अगर व्हाइट हाउस की बात भूली जाए, व्हाइट हाउस, तो व्हाइट हाउस दोस्तों किसने किया था? जेम्स होबर ने व्हाइट हाउस को किया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वर्ष 1950 में राष्ट्रपति भवन को किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों 1950 में वायसराय हाउस के नाम से जाना जाता था राष्ट्रपति भवन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के लिए, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति दोस्तों करते हैं राष्ट्रपति, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों ये भी राष्ट्रपति ही जी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये भी दोस्तों राष्ट्रपति ही करते हैं, ध्यान रखना। राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये भी दोस्तों राष्ट्रपति ही करते हैं, ठीक है। कोई भी बिल कानून कब बनता है? वो कानून दोस्तों जब बनता है जब बिल पर राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर हो जाएं, ठीक है, अन्यथा कानून नहीं बनता वो। राष्ट्रपति को दंड क्षमा करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति किसी भी दंड व्यक्ति को क्षमा कर सकते हैं। अंगल समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में कौन मनोनीत करता है? तो दोस्तों ये राष्ट्रपति जी करते हैं, ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? दोस्तों राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश कितने समय तक लागू रहता है? तो दोस्तों ये रहता है मात्र 6 सप्ताह तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस सूची पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? दोस्तों राष्ट्रपति राज्य सूची पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है, ठीक है। भारतीय राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल भारत के संविधान के किस भाग में निहित है? तो दोस्तों आपातकाल भारत के संविधान के भाग 18 में निहित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद का प्रयोग करके सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कर सकता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति आर्टिकल 143 का प्रयोग करके सर्वोच्च न्यायालय में से परामर्श ले सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को कितने प्रकार की वीटो शक्ति प्राप्त है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो शक्ति प्राप्त है, ठीक है दोस्तों। निरपेक्ष वीटो, यानी कि एक है तुम्हारी एब्सोल्यूट वीटो पावर। एब्सोल्यूट वीटो पावर में राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्ति होती है? तो दोस्तों ये राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति नहीं देता, ये निरपेक्ष वीटो पावर होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, ध्यान रखना। निलंबनकारी, एक होता है सस्पेंशन वीटो पावर, इसमें राष्ट्रपति जी की शक्ति के पास कौन सी होती है? ये क्या होता है, राष्ट्रपति किसी भी बिल को दोस्तों संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, तो ये दोस्तों होती है सस्पेंशन, ठीक है। और JV वीटो पावर में क्या होता है, राष्ट्रपति के पास किस प्रकार की शक्ति प्राप्त होती है? दोस्तों JV वीटो पावर में अनिश्चित काल के लिए, अनंत काल के लिए बिल अपने पास रख लेता है, जेब में रख लेता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन, ठीक है। और किस राष्ट्रपति जी के द्वारा सबसे पहले JV वीटो पावर का प्रयोग किया गया था? दोस्तों तो ये ज्ञानी जेल सिंह थे, उन्होंने सबसे पहले इस JV वीटो पावर का यूज़ किया था, या इसको पॉकेट वीटो पावर भी बोलते हैं, ठीक है। और ज्ञानी जेल सिंह ने किस विषय पर वीटो पावर का यूज़ किया था? दोस्तों भारतीय डाक व्यवस्था पर उन्होंने वीटो पावर का प्रयोग किया था। दोस्तों ये वीडियो के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, आपका राष्ट्रपति का पूरा चैप्टर दोस्तों खत्म हो चुका है। एक राष्ट्रपति के अध्यादेश और है दोस्तों, वो आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति किस अध्यादेश जारी करते हैं, ठीक है। आई थिंक दोस्तों वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आपको, और अगली वीडियो नेक्स्ट टॉपिक पर आने वाली है, आप उसका वेट करिए। थैंक यू दोस्तों।